अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक खुश पाश हंसते मुस्कुराते होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। मेरी बहुत सारी बहनें बहुत परेशान होती हैं, बहुत सारे कमेंट्स करती हैं, ठीक है। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना चाहेंगे उस पर मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। बनाएंगे बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी, गज़ाइयत से भरपूर अज्जा शामिल करेंगे इसके अंदर, और बच्चों के लिए, बच्चों की हड्डियों के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ही कुछ स्पेशल है। पहले हम बाज़ार से खरीद खरीद के हम थक चुके हैं, माएँ थक चुकी हैं, ठीक है। आज हम उसको खुद घर पर बनाएँगे, और आज हम इसको हम घर पर बनाएँगे और स्पेशल किस्म का सीरीलैक बनाना सिखाऊँगी मैं आपको, और ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आप सबको पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, और जी मेरे साथ ही वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हमने जी ले लेना है एक बड़ा सा बाउल, ले लें आप कोई बड़ी सी डिश ले लें, लेकिन ऐसी हो कि जिसमें डिप किया जा सके। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ले लिया जी दाल चना। दाल चना और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, हम एक ही मेजरमेंट में लेंगे, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं लेंगे, सारी चीज़ें इक्वल लेंगे, ठीक है। उसमें हमने बादाम डाल देने हैं, 6 से 7 बादाम डाल देने हैं, आधा कप मैं ले रही हूँ, ठीक है, सारी दालों का। और यहाँ पे हमने ले ली है माश की दाल, ठीक है। माश की दाल भी मैंने चने की दाल जितनी ली है, और 6 से 7 बादाम लिए हैं। और इसमें अब हम दाल डालेंगे मसूर की दाल, वो भी उतनी ही डालूँगी जितनी बाकी ही दाल डाल रही है, ठीक है, आधा कप, ठीक है। आपने जितनी बनानी है, अगर ज़्यादा बना के रखनी है तो ज़्यादा बना के रख लें, अगर कम बनाना है तो इतना ही मेजरमेंट काफ़ी है, ठीक है। आधा आधा कप आपने सारी चीज़ें ले लेनी है। ये है जी मूँग की दाल, ठीक है, ये भी आपने उतनी ही लेनी है मूँग की दाल भी। और ये जो सीरीलैक है, ये है जी 6 से 8 माँ के बच्चे के लिए, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा बड़े बच्चे के लिए बनाना है तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने ले लिया है जी चावल, चावल भी आपने उतने ही ले लेने हैं जितने आपको ने ना बाकी चीज़ें, बाकी दालें ली हैं, ठीक है, उतने ही लेंगे, ठीक है। सारी चीज़ों को हमने ले लिया। अब हम, आप सोच रहे होंगे कि इनको वॉश नहीं किया, तो अभी हम इनको वॉश करेंगे, ठीक है। आपने इनको अच्छे तरीके से वॉश करना है, क्योंकि आपको पता है दालों में, चावलों में मिट्टी भी होती है, और इनके ऊपर जो पाउडर सा लगा होता है वो भी उतारना होता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों का मामला है तो साफ़ सुथरी और ग़िज़ाई से भरपूर चीज़ देंगे। आपने ले लेना है जी 6 से 7 पानी, इसको निकाल लेना है अच्छे से। अगर 6 से 7 पानी नहीं निकालना, 3 से 4 तो कम से कम निकालने ही निकाले, ठीक है, ताकि इसका ये जो वाइटपन सा पानी है ना, ये सारा निकल जाए। और इसके बाद हमने एक प्लेट लेनी है या डिश ले लेनी है आपने, उस पर आपने कपड़ा डाल लेना है। कपड़ा आपके पास मलमल का है, लेकिन अगर मलमल का नहीं है तो कोई सा भी कपड़ा आप ले लें, मतलब जो जिसमें ना पानी अच्छे से सॉक हो जाए। अब ये पानी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था छलनी में, अब मैंने छलनी से निकाल के डिश में डाल के अब मैं इसको कपड़े के ऊपर डाल के फैला रही हूँ, ठीक है। कपड़े के ऊपर फैलाएँगे ना तो थोड़ा बहुत जो पानी इसके ऊपर लगा होता है वो सारा जज़ब हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस जो है ना, आपने 5 मिनट आपके लगेंगे, और ये जो ड्राई करने वाला है ये भी कोई 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने करना है, इसको फैला लेना है, और उतनी देर में आपने अपनी चीज़ें वगैरह जो आपने फैलाई हुई हैं वो सारी समेट लें, और उसके बाद सारा ये काम कर लें, ठीक है। ये बहुत अच्छा होता है बच्चों की हड्डियों के लिए, ये 6 से 8 माह 9 माह के बच्चे को आप दे सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा बड़े बच्चे को देना है ना, तो उसमें आपने जो है ना ड्राई फ्रूट ज़्यादा डाल लेने हैं, ड्राई फ्रूट मतलब काजू, पिस्ताशियो, बादाम भी ज़्यादा डाल लेने हैं, ठीक है। लेकिन हम बना रहे हैं यहाँ पे 6 से 7 8 9 माह के बच्चे के लिए, तो उसके लिए इतने से ड्राई फ्रूट काफ़ी होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। और यहाँ पे हमने जी ले लिया है एक पैन, और पैन में हमने जो ड्राई की हुई सारा अपना जो दालें वगैरह थी ना, वो उसको डाल के हमने इसको भूनना है। यानी कि जब आपको छन छन की आवाज़ें आने लग जाए ना पैन में, यानी कि आपको पता चल जाए कि ये भून भी गया है और ड्राई भी हो गया है,
ठीक है, इसमें मॉइस्चर जो था वो ख़त्म हो चुका है, तो फिर आपने जो है ना इस पैन से आपने इसको निकालना है। अभी हमने इसको जो है ना इसको ऐसे भूनते रहना है, ऐसे भूनते रहना है आराम आराम से। तो बच्चे खाते नहीं हैं, बच्चों के खाने का ये इशू होता है कि आप बच्चों को ठीक से खाना बना के नहीं दे रही हैं। आप या तो फिर आपके बच्चों को कोई और प्रॉब्लम है, या फिर आप डाइट उनको अच्छी बना के नहीं दे रही, या उनको पसंद नहीं आ रहा। तो मुख्तलिफ फ्लेवर से बना के दें, शायद वो खा जाए। आज मैं अपनी बेटी को नमकीन टेस्ट करवाने लगी हूँ, ठीक है। पहले मैं उसको मीठा टेस्ट करवाया, यानी कि सीरीलैक मीठा, दूध मीठा, ठीक है, लाइट से मीठा लेकिन था, तो ठीक है। आज मैं उसको नमकीन चीज़ टेस्ट करवाऊँगी, ठीक है। आप चाहें तो इसमें मीठा भी ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताती हूँ कि किस तरह ऐड करना है। लेकिन अभी आपने इसको अच्छे से भून लेना है, अच्छे से भून के, यानी कि ये जलाना नहीं है लेकिन इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है, बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि हमने वॉश किया था ना इस वजह से। अभी हमने ग्राइंडर ले लेना है, और ग्राइंडर में हमने इस जो है ना दालें अपनी जितनी भी हैं, अपने सीरीलैक के लिए जितनी भी हमने दालें वगैरह भूनी हैं, इनको हमने ग्राइंडर में डाल के ना तो ग्राइंड करना है, अच्छा सा पाउडर बना लेना है, ठीक है। और फिर मैं आपके साथ बताती हूँ कि क्या करना है। तो बच्चों को जो है ना बहुत खिलाना बहुत ही मुश्किल, दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। प्लीज़ घबराएं मत, टेंशन नहीं लें। मैं भी बहुत टेंशन में आ जाती थी, लेकिन जो है ना अब अल्लाह का शुक्र है कि अब मुझे पता चल गया है कि बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है, और बच्चे क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं, ठीक है। अब ये देखिए हमने इसको डाल लिया, थोड़ा सा ठंडा करके आप ग्राइंड कीजिएगा, ठीक है। और इस मैं ग्राइंड करके लाती हूँ तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह का है। आप लोगों ने कोई सी भी वीडियो देखनी है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाऊँ, तो इंशाल्लाह वो बनाऊँगी। ये देखिए जी, इस तरह का पाउडर आपने तैयार कर लेना है सीरीलैक का, और ये हमारा होममेड सीरीलैक तैयार हो चुका है, तो बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। अब मैं इसको पका के भी दिखाती हूँ कि आपने बच्चे को किस तरह से पका के देना है। आपने ले लेना दो प्याली पानी, ठीक है। अगर आप दो चम्मच बना रहे हैं ना तो आपने दो प्याली पानी लेना है, यानी कि छोटी प्याली जो होती है ना वो वाला पानी लेना है, ठीक है। आपने वो पानी ले लेना है, और जब आप ये पाउडर बना के रख लेंगे आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, सुख में आ जाएगी। आपको बस ये पानी गर्म किया और इसमें दो मिनट पकाया और बच्चे को दे दिया, कोई ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है। तो ये पाउडर सेफ़ भी रहता है। और इस तरह से आपने इसको निकाल लिया, दो चम्मच डाल लिए और पका लिया। अगर आपको पानी कम लग रहा है तो आप पानी थोड़ा बेशक और डाल सकती हैं, ठीक है। इसको आपने अच्छे से पका लेना है, और पका के, क्योंकि हमारी चीज़ें भुनी भी हुई हैं, ग्राइंड भी हुई हैं, साफ़ है, साफ़ सुथरी घर की, ठीक है। हमने सारे जो है इसके अंदर गंद मंद था सारा निकाल के वॉश किया, अच्छे से साफ़ किया पहले दालों को मैंने, ठीक है, फिर मैं आपके सामने लाई थी, ठीक है। आपने भी इसी तरह करना, अच्छे से साफ़ करना। इस तरह से हमने इसको पका लेना है, ठीक है। पका पका के इतनी मत मार देनी नहीं नहीं इतनी भी नहीं मारनी, बस इस तरह से आपने पका लेना है, ठीक है। और ये देखिए कितनी अच्छी से हमारी, आप इसको सीरीलैक कह लें, खिचड़ी कह लें, जो मर्जी कह लें। अब बात आती है कि अगर आपने इसमें डालना है ज़ीरा पाउडर भी, आप हल्का सा, अगर आप खिचड़ी बना रही है ना, आपने करना क्या है, ज़ीरा पाउडर इसमें हल्का सा डाल लेना है और नमक डाल देना, आपकी खिचड़ी तैयार होगी। अब मैं आज अपनी बेटी को नमकीन बना के दे रही हूँ, तो मैं इसमें डाल रही हूँ जी नमक। मैंने थोड़ा सा इसमें चुटकी नमक डाल दी है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको नमकीन आज टेस्ट करवाना है, ठीक है। उसके बाद हमने ये बन गया हमारा होममेड सीरीलैक तैयार हो गया। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा, मेरा अपना दिल कर रहा है कि मैं खा लूँ, ठीक है। तो ये देखिए कितना अच्छा मज़े का हमारा जो है ना सीरीलैक तैयार हो गया है। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया है, लेकिन आप लोग एक चम्मच बना लें, लेकिन बना ज़रूर लें। और ये देखें कितना अच्छा मज़े का सीरीलैक बन गया, और बादाम का टेस्ट भी इतना अच्छा आ रहा था, मैंने चेक किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। अगर तो आपके बच्चे नमकीन नहीं खाते, आपने हनी हल्का सा डाल लेना है ताकि उसको थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा नमकीन फ़्लेवर आ जाए। और ये बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ही गज़ाइत से भरपूर है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जी ये देखें जी, सीरीलैक हमारा रेडी हो गया। आपने जो है ना इसको हनी डाल देना है इसमें, ठीक है। अगर आपने नमकीन खिलाना है तो फिर नमक ही काफ़ी है, और हल्का सा ज़ीरा पाउडर डाल के आप उसको खिला सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।